बहुत साल पुरानी कहानी है। एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसका घर यानी एक झोपड़ी थी। वो और उसकी पत्नी क्या करते थे पता है? जंगल में जाते थे, पेड़ काटते थे और लकड़ियां बेचते थे। दोनों मिलकर मेहनत करके जीते थे और रोज भगवान की प्रार्थना करते थे। कहते थे, हे भगवान, हमें हमारी मेहनत का फल दे। मोह, मत्सर, इससे हमें दूर रख। हमेशा तुम्हारी कृपा हम पे रहे। एक दिन क्या हुआ, हमेशा की तरह लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। पर आज उसे काटने के लिए मनपसंद सूखा पेड़ कहीं नजर ही नहीं आया। जंगल में पेड़ की तलाश में वो बहुत बहुत घूमा। यहाँ वहाँ घूम के बेचारा बहुत ही थक गया। चलते चलते वो जंगल के एक कुएं के पास पहुंचा और अचानक उसे एक बढ़िया सा सूखा पेड़ नजर आया। उसे बहुत खुशी हुई। जल्दी से पेड़ पे चढ़ा और खुश होके उसने डालियां काटना शुरू किया कि अचानक उसके हाथों से कुल्हाड़ी फिसल गई और कुएं में गिर गई। कुल्हाड़ी को गिरते देखकर वो बहुत ही निराश हुआ। वो रोने लग गया। वो पेड़ से नीचे उतरा। कुएं के सामने बैठकर वो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते कहने लगा, हे भगवान, यही है क्या तुम्हारी कृपा? अब मेरे जैसा गरीब कर ही क्या सकता है? उसने ये कहा और फिर चमत्कार हुआ। कुएं में से जलदेवी प्रकट हुई, उसके सामने खड़ी हुई। उसने पूछा, अरे लकड़हारा, तुम रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो फिर क्या करूं? मेरा जीने का सहारा मेरी कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। अब मैं कैसे जीऊं? तब जलदेवी ने उसे बताया, अरे ऐसे रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लाकर देती हूँ। ये कह के देवी पानी के अंदर चली गई। फिर से आई और एक कुल्हाड़ी ले आई। लकड़हारे से कहने लगी, देखो तो जरा, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को देखा। देखा तो क्या, पूरी कुल्हाड़ी सोने की, पूरी तरह सुनहरी चमचमाती हुई। उसने जैसे जैसे कहा, नहीं, ये नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। तो फिर जलदेवी फिर से पानी में चली गई और फिर से एक कुल्हाड़ी ले आई। उसने लकड़हारे से पूछा, अरे बाबा, अब बोलो, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा बस देखता ही रह गया। इस बार कुल्हाड़ी थी चांदी की, साफ सफेद चमकती हुई। लकड़हारे ने जलदेवी से कहा, हे देवी, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। देवी फिर से एक बार पानी में चली गई और एक कुल्हाड़ी ले आई। लकड़हारे को दिखाई। लकड़हारे ने देखा और खुशी से उसने कहा, देवी, यही है मुझ गरीब की लोहे की कुल्हाड़ी। दे दो मुझे, ताकि मैं मेहनत करके मेरा जीवन खुशी से बिताऊंगा। उसके ये बोल सुन के जलदेवी प्रसन्न हुई और कहने लगी, लकड़हारे, भगवान ने ही मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। गरीब हो फिर भी तुम संस्कारों के पक्के हो, ईमानदार हो, और इस सच्चाई का इनाम मैं ये सोने और चांदी की कुल्हाड़े तुम्हें इनाम में दे रही हूँ। अब अपना जीवन खुशी से बिताओ। अपना धन, अपना धन, अपना धन, अपना धन।